और ऐसा लगेगा ही नहीं आपको यहाँ पे कि आप इंडिया में हो, क्योंकि यहाँ का अंदर का पूरा एनवायरनमेंट देख सकते हो आप लोग। और ऊपर गाइज अभी हम लोग है शाहरुख खान के घर के बाहर, देख सकते हो आप लोग। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू मुकुंद जोशी व्लॉग्स चैनल। तो गाइज आज मैं और सुमन दोनों जाने वाले हैं बैंड्रा। सुमन गाइज कोई लड़की नहीं है, वो लड़का है एक हट्टा कट्टा जिसका नाम रॉनी है, बट रियल नेम सुमन है, लेकिन हम लोग उसे रॉनी भी बुलाते हैं। तो गाइज वो अभी आता ही होगा और मैं भी रेडी हो चुका हूँ एंड मेरा बैग भी पैक हो चुका है। तो गाइज आज हम लोग जाने वाले हैं बैंड्रा, जो की मुंबई में मीन्स नामचीन एरिया है। कोई कोई लोग उसे बैंड्रा भी बुलाते हैं और कोई कोई उसे बांद्रा भी बुलाते हैं। तो आज हम लोग जाएंगे वहाँ पे, और वैसे तो वहाँ पे घूमने के लिए बहुत सारी प्लेसेस है, बट सबसे पहले हम लोग जाने वाले हैं बैंड्रा फोर्ट। तो बैंड्रा फोर्ट में ऐसा कुछ सीन है गाइस कि वहाँ पे पूरा बैंड्रा वर्ली सीलिंग दिखता है और सामने पूरा समंदर का व्यू है, तो एक नंबर लोकेशन है दोस्तों। मैंने बैग इसलिए कैरी किया है क्योंकि सनग्लासेस वगैरह है बैग में, और साथ में दो तीन शर्ट्स मैंने साथ में कैरी किए हैं, अगर कोई अच्छी लोकेशन दिख जाएगी तो हम लोग फोटोज क्लिक भी कर लेंगे। तो बस वो दोस्तों आता ही होगा, तब तक हम लोग भी चलते हैं नीचे। इसे बैग पकड़ के तो व्लॉगिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो सुमन के आते ही उसको बाटली में उतार के थोड़ा बैग वैग पकड़ा दूंगा उसे, क्योंकि मुझे व्लॉगिंग करते टाइम गाइस ऐसा बैग वैग लेके कंफर्टेबल नहीं होता है। गाइस देख सकते हो आ चुका है मिस्टर रॉनी, जिसको सुमन भी बुलाते हैं हम लोग। तो कैसे हो सुमन भाई? एक नंबर, आप लोग कैसे हो गाइस? गाइस एक नंबर है सब। मैं बोल रहा हूँ गाइस, ये एक टाइम पे इतना ज्यादा मोटा था कि हम लोग इसे मोटा बोल के चिढ़ाते थे, बट आज के टाइम पे इसने वर्कआउट करके अपना जो फिजिक बनाया है, एप्स बता दे एक बार सबको। एप्स नहीं है, थोड़ा आना बाकी है। एप्स आने में थोड़ा टाइम लगेगा उगने में गाइस, बट ये मेहनत कर रहा है। हाँ वो तेरे को उगाना ही पड़ेगा। तो गाइज ये बहुत टाइम से मेहनत कर रहा है, जिम विम कर रहा है, तो अभी थोड़ा मतलब कटिंग हो गया इसका वेट, तो अभी देख सकते हो एकदम फिट तो हो चुका है। ये शर्ट वर्ट ये सब पहले बहुत टाइट होते थे ना सुमन? पहले 95 था, अभी 79 हो। अच्छा, और बाइक कहाँ पे खड़ी की है? कहाँ पे बाइक लेके तो नहीं? गाइज हम लोग सोच रहे थे पहले बाइक से जाएंगे, बट गर्मी इतनी ज्यादा है कि ट्रेन से जाना ही बेहतर ऑप्शन है। वो बता दे दूसरे किसी की बाइक, ये रही गाइज सुमन की बाइक। तेरी बाइक इतनी प्यारी है, दूसरे की बाइक क्यों बता रहा है? बड़ी मेरी बाइक है तो मैं अपनी बाइक बोलूंगा। हाँ गाइस सच्चा भाई इसे बोलते हैं। देखो फेस सीरम लेके आया है मेरे लिए और साथ में सनस्क्रीन भी लेके आया है ताकि हम लोग काले ना पड़ जाए। मैं तो लगा के आया हूँ, तो ये अभी अप्लाई कर लेता हूँ मैं फटाफट। निशान भाई भी यहाँ पे आ चुके हैं बिल्डिंग के नीचे। तो गाइज अभी मैंने सीरम और सनस्क्रीन अप्लाई कर दिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं रिक्शा स्टैंड पे। तो रिक्शा स्टैंड से रिक्शा पकड़ के डायरेक्ट पहुंचेंगे भाईंदर स्टेशन, और वहाँ से टिकट लेके डायरेक्ट बैठेंगे ट्रेन में। तो पूरा सीन बताऊंगा दोस्तों, वीडियो में बने रहना, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है आपको। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आप लोग को ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगे। गाइज हम लोग का एक बेनिफिट है कि बिल्डिंग से निकलते ही यहाँ पे बाहर रिक्शा स्टैंड है, तो यहाँ से रिक्शा पकड़ेंगे। गाइज अभी रिक्शा वाले अंकल भड़क गए क्योंकि एक बंदा रॉन्ग वे से आ रहा था। वो अंकल का कहना ये है कि अगर कोई बच्चा होता तो समझ में आता, लेकिन बुड्ढा हो गया है, सर के बाल चले गए हैं, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा कि गाड़ी कहाँ पे डालना है, तो कुछ बोल नहीं सकते गाइज। गाइज अभी हम लोग भाईंदर स्टेशन पहुँचने ही वाले है, देख सकते हो सामने ही है। इस रोड को गाइज बीपी रोड बोलते है। अभी हम लोग भाईंदर स्टेशन पहुँच चुके हैं और यहाँ पे टिकट काउंटर है, तो यहाँ से टिकट ले लेंगे। सुमन भाई लाइन में लगो ना जरा, हमको ही कष्ट दोगे क्या जिंदगी भर के? और गाइज हमने पानी का बोतल भी ले लिया है, ये देखो छीन रहा है वहाँ पे बाहर, शॉप है स्टेशन के बाहर ही वहाँ पे। फाइनली गाइज टिकट तो ले लिया है हमने, और अभी हम लोग 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे है, ट्रेन का वेट कर रहे हैं जो कि चर्च गेट के लिए आने वाली है। भाई का कहना है पंखे के नीचे खड़े रहेंगे क्योंकि गर्मी है ना।
गाइस फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब चढ़ते हैं हम लोग। हम लोग बांद्रा पहुंच चुके हैं एंड पहले दोस्तों स्टार्टिंग में व्लॉग करता था तब मुझे शर्म आती थी क्राउड वगैरह से कि फोन निकाल के वीडियो बनाऊंगा तो सब लोग क्या सोचेंगे, बट देख सकते हो आज के टाइम पे इतना क्राउड आजू बाजू में सब लोग देख रहे हैं, बट कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमें। और अभी हमें ऊपर जाना है ना सुमन। हाँ। चल गाइस यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे और फिर देखेंगे ईस्ट में जाना है या वेस्ट में जाना है। और गाइस मुंबई में भी गर्मी तो इतनी है कि पूछो मत, हालत खराब हो जाती है लोकल ट्रेन में। लेकिन हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत करके धूप में जा रहे हैं गाइज आपको घुमाने के लिए। गाइज अभी मैं आपको बताता हूँ बांद्रा स्टेशन के बाहर का व्यू देख सकते हो बहुत मस्त दिख रहा है। और अभी हम लोग यहाँ से रिक्शा पकड़ के जाएंगे बांद्रा फोर्ट जो कि यहाँ से अराउंड 4 से 5 किलोमीटर दूर है। गाइज स्टेशन से 40 रुपीज पर पर्सन का मतलब फेयर लगेगा अगर रिक्शा से हम लोग जाते हैं तो चलते हैं फटाफट। रिक्शा वाले भैया ने गाइस हमें यहाँ पे छोड़ा और यहाँ पे ताज होटल है देख सकते हो सामने। ये अपनी चर्ची गेट वाली ताज होटल नहीं है बट ये यहाँ पे ताज लैंड एंड्स लिखा हुआ है तो ये शायद दूसरी कोई ताज होटल है। तो यहाँ से हमें वॉक करके जाना है बांद्रा फोर्ट, ये रोड पे आगे ही है, 5 मिनट का रास्ता है। कौन बोला? मैप में देखा है गाइस सुमन ने, तो 5 मिनट का रास्ता है तो आपको मिलेंगे वहाँ पे पहुँचने के बाद। तो गाइस अभी हम लोग हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचने ही वाले हैं, बस कुछ कदम हमें चलना है और तो चलते हैं। कल सेलर्स चना और ककड़ी कच्चा आम बेच रहे हैं देख सकते हो। तो फाइनली गाइस हम लोग बांद्रा फोर्ट पे पहुंच चुके हैं एंड जो मेन पॉइंट है वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है इसके लिए हम लोग और नीचे आए हैं। लेकिन नीचे आए तो अच्छा हुआ एक चीज़ कि हमें क्लोज से और अच्छे से देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हो पूरा सी है और सामने सीलिंग है पूरा। ऐसा कुछ सीन है दोस्तों और बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं भी चल रही है, सुकून है इस जगह पे। सामने की बिल्डिंग्स देख सकते हो आप लोग पूरा व्यू, ये नाइट में तो एक नंबर दिखता है। और भी गाइस हम लोग जो पॉइंट की बात कर रहे थे वो जस्ट हमारे पीछे ही है, ये देखो इसके ऊपर यहाँ पे सब लोग देख रहे होंगे आपको, ये देखो दो बच्चे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर जाना था हमें बट वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, बट ट्राई करते हैं ऊपर जाने का। गाइस अगर आप लोग ऐसा कोई प्लेस देखना चाहते हो मुंबई में जहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग हुई है तो उन प्लेसेस में से एक प्लेस ये है जिसे बांद्रा फोर्ट कहते हैं और ये कैस्टेला दे एग्वाडा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। एंड इसे बीच फ्रंट भी बोलते हैं क्योंकि सामने पूरा बीच है और सीलिंग का नजारा है देख सकते हो एक नंबर प्रॉपर। और बहुत सारे टूरिस्ट और ट्रैवलर्स यहाँ पे घूमने आते हैं मुंबई का मजा लेने के लिए। एंड एक चीज और बोलना चाहूंगा दोस्तों, मुंबई द सिटी ऑफ ड्रीम्स ऐसा मतलब ऐसे ही नहीं बोलते हैं लोग, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं एक्सप्लोर करने के लिए और लोग यहाँ पे खुल के जीते हैं अपनी जिंदगी मुंबई में। गाइस तू क्या बोलना चाहता है सुमन? नंबर, बहुत अच्छा पीस लग रहा है गाइस, बहुत यहाँ पे पीस है ना। और सामने का पॉइंट ही ऐसा है दोस्तों कि गर्मी भी नहीं लग रहा है दोस्तों क्योंकि बहुत ज्यादा ठंडी हवाएं आ रही है, समंदर की विंड्स आ रही है। गाइज आप मेरे पीछे जो फोर्ट देख रहे हो ये पोर्तुगीज लोगों के द्वारा 1640 में अराउंड बनवाया गया था और फिर इसे मराठा लोगों ने हथिया लिया अराउंड 1740 में
तो ये सब स्टोरी है इसके पीछे गाइस। तो कितना पुराना होगा ये फोर्ट सोच सकते हो। अभी इसमें काम चल रहा है, आई थिंक नया कुछ तो बनेगा इसमें। अभी मैं और अपना भाई रोनी यहाँ पे फोटोज क्लिक कर रहे हैं क्योंकि बैकग्राउंड बहुत मस्त आ रहा है और हमने स्पॉट भी एक नंबर चूज किया है, देख सकते हो बोटी पटेली। हाँ गाइज, एक बात तो माननी पड़ेगी, सुमन ने मेरे बहुत अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक कर लिए हैं, तो अब मैं उसके फोटोज क्लिक कर लेता हूँ। और इस प्लेस पे बहुत ज्यादा एंजॉय तो कर लिया है हमने और थोड़ी देर में बस निकल जाएंगे यहाँ से। गाइज यहाँ पे फोटो क्लिक करते टाइम दिक्कत एक ही आ रही है कि कपड़े बहुत ज्यादा उड़ रहे गाइज, तो शर्ट यहाँ वहाँ पे जा रहा है बार बार, बट हमने कोई नहीं कोशिश की है अच्छे फोटोज क्लिक करने की। ये जो समंदर देख रहे हो आप जिसपे सीलिंग बना हुआ है, ये पूरा अरेबियन सी है, मीन्स ये समुंदर डायरेक्ट दूसरे कंट्रीज को कनेक्ट करता है। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ पे तो हमने घूम लिया है, अब हम लोग कुछ नाश्ता वास्ता करके जाएंगे। जियो ड्राइव बहुत अच्छे अच्छे फोटोज आए गाइस, आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम पे मुकुंद जोशी। हाँ मुकुंद जोशी, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूँ गाइस, आप लोग यहाँ पे हमने जो फोटोज क्लिक किए है वो देख सकते हैं। बढ़िया बढ़िया फोटो आए गाइस। हाँ बहुत मस्त फोटोज आए। बैंड्रा फोर्ट से तो गाइज हम लोग निकल चुके हैं और अब हम लोग यहाँ पे वॉक करते हुए जाएंगे क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं यहाँ पे देखने के लिए। गाइज अभी हमें यहाँ पे एक अच्छी और लोकेशन दिख गई है, देख सकते हो कितना मस्त व्यू है यहाँ का भी। एक गार्डन एरिया टाइप में है बट बहुत अच्छी जगह है। ये गार्डन से गाइस पूरे समंदर का व्यू एकदम मस्त आ रहा है, मैं आपको बताता हूँ सामने। देखो गाइस पूरा व्यू यहाँ पे भी बहुत मस्त है। गाइस अभी हम लोग है शाहरुख खान के घर के बाहर, देख सकते हो आप लोग सामने है मन्नत, जहाँ पे लिखा हुआ है लैंड एंड्स और वो साइड में लिखा हुआ है मन्नत। तो ये घर है दोस्तों शाहरुख खान का। यहाँ पे बहुत सारा क्राउड भी है गाइस, देख सकते हो, क्योंकि सबको यहाँ पे फोटो लेना नेसेसरी है। यहाँ पे फोटो नहीं लेंगे तो स्टेटस पे क्या डालेंगे। यहाँ पे फोटो डालना स्टेटस पे वो भी एक स्टेटस यहाँ पर। हाँ वो भी है। और गाइस आप लोग तो जानते ही हो शाहरुख खान का मीन्स पास्ट, शुरुआत कहाँ से किया था शाहरुख खान ने गाइस, जब मुंबई में आया था तो एक सिंगल बैग लेके आया था और आज के टाइम पे हम लोग भी एक बैग लेके आए। और गाइस आप लोग देख सकते हो आज के टाइम पे शाहरुख खान मतलब आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। और सब क्राउड देख सकते हो, चाचा चाची फूफा फाफी सब सब आए। हम लोग भी एक फोटो क्लिक कर लेते हैं, मैं सोच रहा हूँ क्रिंज लगेगा मेरे को, क्रिंज लगेगा गाइज। इसका बोलने का मतलब ये है कि हम लोग वहाँ पे अगर फोटो क्लिक करेंगे तो छपरी लगेंगे। हम लोग तो यहाँ पर ही रहते हैं, हम लोगों के हम लोग तो रोज देखते हैं, हमें फोटो लेने की जरूरत ही क्या है अभी गाइज। अब लेकिन एक थंबनेल के लिए मैं सोच रहा हूँ एक फोटो तो लेना बनता ही है, एक फोटो ले लेते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पे उनके गार्ड्स की गाड़ियाँ खड़ी हुई है मन्नत के बाहर, और ये पूरा मन्नत है यहाँ से इतना मतलब फैला हुआ है, देख सकते हो गाइज आप लोग। सिक्योरिटी तो रहेगी ना भाई, शाहरुख खान है। एंड गाइज मेरे पीछे की ये लोकेशन भी देख लो, ये बिल्डिंग भी बहुत मस्त लग रहा है, तो यहाँ पे भी हमने एक दो फोटोज क्लिक कर लिया है। और ये मन्नत के बाजू में ही है, मन्नत के जस्ट बाजू में ही है ये बिल्डिंग भी। तो गाइज हमने बैंड्रा फोर्ट घूम लिया, शाहरुख खान का घर देख लिया, ये पूरा एरिया एक्सप्लोर कर लिया है। अभी हम लोग जाएंगे जियो ड्राइव जो कि बैंड्रा का सबसे बड़ा मॉल है और आई थिंक मुंबई का भी सबसे बड़ा मॉल ही होगा, क्योंकि ये मॉल के ओनर है दोस्तों मुकेश अंबानी जी। तो वहाँ पे जाएंगे हम लोग, और वो मॉल बहुत ही ज्यादा बड़ा है और बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। एंड हम लोग भी पहले कभी गए नहीं है जियो ड्राइव में, मेरा जाने का पर्सनली मन था तो आज जाके ही आते हैं दोस्तों, और बताते हैं आपको वहाँ पे क्या सीन होता है। ये बहुत ज्यादा ही पॉश एरिया है, यहाँ पे हर गाड़ी इम्पोर्टेड ही दिख रही है, देख सकते हो ये गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी हुई है, फिर सब बंगलोज है यहाँ पे, ये सब गाड़ियाँ देख सकते हो, हर एक गाड़ी इम्पोर्टेड ही दिखेगी ये रूट पे। गाइज अभी हम लोग ने रिक्शा ले लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं जियो वर्ल्ड ड्राइव जो कि बहुत बड़ा मॉल है। फाइनली गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल, देख सकते हो मेरे सामने ही है ऑपोजिट में, और बहुत मस्त लग रहा है। अभी अंदर जाएंगे हम लोग, और बहुत ज्यादा बड़ा है, ये फ्रंट है सिर्फ, बैक उसका बहुत ज्यादा बड़ा है। तो चले सुमन अंदर, चलो चलो गाइज। अभी हम लोग एंटर हो चुके हैं जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल के अंदर, और ऐसा लगेगा ही नहीं आपको यहाँ पे कि आप इंडिया में हो,
क्योंकि यहाँ का अंदर का पूरा एनवायरनमेंट देख सकते हो आप लोग, और ऊपर से डिजाइन शॉप्स वगैरह हर एक चीज। अभी अंदर एंटर करेंगे हम लोग। सो सुमन, यू आर कमिंग फर्स्ट टाइम हियर, सो यू आर एक्साइटेड? वेरी एक्साइटेड। लेट्स गो। अंबानी हार्ड वर्क ओवर हियर। द एंट्रेंस गाइस, यहाँ पे ऑटोमेटिक डोर्स है एंड दिस बैकग्राउंड इज ऑल्सो कूल। पहले ऊपर जाएंगे या नीचे घूम लेते हैं? पहले नीचे घूम लेते हैं। गाइज आप लोग देख सकते हो ऊपर जो लाइटिंग लगी हुई है वो भी बहुत ज्यादा यूनिक लग रही है। एंड दिस डिस्प्ले, शोरूम, हर एक चीज एकदम प्रॉपर, मतलब इंडियन वाइब ही नहीं है यहाँ पे तो, ये पूरा अलग ही वर्ल्ड है अलग। एडिडास का भी शोरूम है, हर एक बड़ी ब्रांड का शोरूम आपको गाइज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वहाँ से स्टार्टिंग किया था गाइस वॉक करना, बट अभी तक वॉकिंग एंड नहीं हुआ है और आगे है ही, बहुत लंबा है। वी आर गोइंग अपस्टेयर्स, देखते हैं ऊपर जाके ऊपर क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलेंगी गाइस। वेर या डियोर, बॉस, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं यहाँ पे गाइस। नहीं कॉस्मेटिक नहीं है डियोर, कोई और ब्रांड है, क्लोथिंग भी आता है। फर्स्ट फ्लोर पे भी गाइस बहुत सारे शोरूम है और ऐसा ही है सब, मैं बताता हूँ जो भी इंटरेस्टिंग चीजें दिखेगी। बट ये लाइटिंग देखो, यहाँ से आपको क्लियर प्रॉपर नजर आ रही होगी, देख सकते हो। You went to airport before? Yes. So international many, airport? Yes, so many times. Guys, अभी हम लोग और ऊपर जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। Guys, अभी हम लोग आ चुके हैं टॉप फ्लोर पे और यहाँ से मैं व्यू बताता हूँ आपको, देख सकते हो। एंड लेंथ देखो गाइज, एंडिंग तक शोरूम ही शोरूम है, अलग अलग ब्रांड्स के कंप्लीट ब्रांड्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एंड कैफेज तो पूछो ही मत, इतने सारे कैफेज हैं यहाँ पे। दिस इज कैफे, सो दिस इज व्हाट? दिस इज फर्नीचर एरिया। ओके, या या, दिस इज फर्नीचर, यू कैन सी द बार्स एंड, बट दैट इज द कैफे, दैट मिडल वन इज द कैफे। या यहाँ पे एलिवेटर कनेक्टेड है, मीन्स हम लोग यहाँ से उतर रहे तो और नीचे जाने के लिए जस्ट बाजू से ही हमें मिल जाएगी। तो गाइज हमारा एक्सपीरियंस इस मॉल में बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग था और बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिली, एंड फर्स्ट टाइम विजिट था मेरा। एंड यू वांट टू टेल समथिंग? यस, यहाँ से हमेशा अगर यहाँ से किसी को भी पास होते बाजू से एकदम मस्त स्मेल आती है। हाँ, इसमें मेरे को भी एक लेना पड़ेगा। गाइज इज टॉकिंग अबाउट रिच पीपल्स हु कम टू इट। कम्प्लीट शोरूम्स आपको फॉरेन के हर एक ब्रांड के शोरूम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं गाइज, ये देखो यहाँ से आपको लेंथ पता चल सकती है मॉल की, ये पूरा एरिया आगे तक जाता है और यहाँ से हम लोग अभी आए हैं। सो गाइज वी टूक अ रिक्शा फ्रॉम जियो वर्ल्ड ड्राइव मॉल एंड नाउ वी आर एट बांद्रा स्टेशन, देख सकते हो गाइज। तो अभी हम लोग यहाँ से ट्रेन पकड़ेंगे और जाएंगे घर पे। फाइनली हम लोग बांद्रा स्टेशन पहुंच चुके हैं एंड हमारी हालत इतनी खराब है क्योंकि क्राउड इतना ज्यादा था मुंबई में, आपको पता ही है गाइस इवनिंग के टाइम पे सब ऑफिस वाले लोग छूटते हैं तो वो लोग आते हैं ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्दी थी। एंड गाइस आज के व्लॉग में हमने पूरे बांद्रा के जितने भी बेस्ट प्लेसेस थे, एक्सप्लोर करने जैसी जगहें थी, वो सारी आपको बता दी। तो इसी के साथ दोस्तों आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।